वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या नैतिक शिक्षा का ये पांचवा हिस्सा है। इसका 31वां जो बिंदु है, 31वां, लेट नो मोमेंट ऑफ योर लाइफ स्लिप अननोटिस्ड अवे, अननोटिस्ड अवे, ये धम्म पद में लिखा हुआ है, जो बुद्ध का जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का, धम्म पिटक, बुद्ध धम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, तो उसमें धम्म पिटक में जो है धम्म पद है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अपने जीवन का हर क्षण यादगार बनाएं, अपने जीवन का हर क्षण यादगार बनाएं, यानी इस तरह की जिंदगी जियो कि लोग आपको याद करें, कि आपके जाने के बाद आपको याद करें। ये धम्म पद जो है हमारा वो बोलता है कि लेट नो मोमेंट ऑफ योर लाइफ स्लिप अननोटिस्ड अवे, यानी एक अच्छा जीवन आप जियो जिससे कि लोग भविष्य में आपके जाने के बाद भी आपको याद करें। 32वां पॉइंट है, जो धीरज के साथ सतत संघर्ष करता है ईश्वर उसके साथ है, जो धीरज के साथ सतत संघर्ष करता है ईश्वर उसके साथ है। ये जो है कुरान में है, ये गॉड इज विथ दोज, गॉड इज विथ दोज हु परसीवर, परसीवर दिस होली कुरान, पवित्र ग्रंथ कुरान में ऐसा दिया है। ऐसा मुस्लिम लोगों का विश्वास है कि जो धीरज के साथ परिश्रम करते हैं, सतत परिश्रम करते हैं, उनका ईश्वर साथ देता है। 33वां जो पॉइंट है, मिलनशीलता, मिलनसारिता, कर्टसी, मिलनसारिता, कर्टसी, मिलनसारिता का तात्पर्य है लोगों से विनम्रतापूर्वक मिलना, विनम्रतापूर्वक मिलना, ये कर्टसी है। 33 है कर्टसी, कर्टसी मीन्स ग्रीटिंग पीपुल पोलाइटली, ग्रीटिंग पीपुल पोलाइटली, यानी कि मिलनसारिता का अर्थ है कि लोगों से विनम्रतापूर्वक मिलना। हमारे मूल निवासी बहुजन हजारों साल से गुलाम हैं, इस वजह से उनका जो सिख पर्सनालिटी है, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, उसकी वजह से वो लोगों से प्यार से नहीं मिलते हैं, विनम्रता से नहीं मिलते हैं, घमंड के साथ मिलते हैं और बड़ी कड़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमारे मूल निवासी बहुजन का संगठन नहीं बनता, यानी हमारे अंदर कर्टसी नहीं है, मिलनसारिता नहीं है, लोगों से जो मिलना जुलना चाहिए, जो सामाजिकता होनी चाहिए, मिलनसारिता होनी चाहिए, वो हमारे लोगों के बीच में नहीं है। इस वजह से हमारे साथ लोग जुड़ते नहीं हैं और हमारा संगठन बनता नहीं है। तो मिलनसारिता का मतलब यही हुआ, लोगों से विनम्रता पूर्वक मिलना। इसका संबंध सहिष्णुता से है, इसका संबंध सहिष्णुता से है। सहिष्णुता मतलब इट इम्प्लाइज इनटॉलरेंस, इट इम्प्लॉयज टॉलरेंस। जो मिलनसारिता है, कर्टसी का मतलब होता है टॉलरेंस, सहिष्णुता। अभी देखिए हमारे इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो बुद्धिजीवियों का जो है कत्ल हो रहा है, कलबुर्गी का कत्ल हुआ, नरेंद्र दाभोलकर जी का कत्ल हुआ, उधर हमारी जो वो थी जो हमारी कर्नाटका की थी उनका कत्ल हुआ, जो और हाँ गौरी लंकेश का कत्ल हुआ, और जो हमारे कोल्हापुर से जो है वो जो गोविंद पानसारे थे उनका कत्ल हुआ, और भी जाने ऐसे कितने बुद्धिजीवी हैं जिनका कत्ल हो रहा है। मतलब टॉलरेंस नहीं है। ये जो सत्ता में लोग आए हैं, फासीवादी ताकतें आई हैं, शैतानी ताकतें हमारे देश के अंदर सत्ता में आई हैं, इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है। लेकिन मिलनसारिता में जो है ये टॉलरेंस आता है, यानी जो सहिष्णुता है ये आता है। तो हम मूलवासी बहुजन जो है हजारों वर्षों से टॉलरेंस को पालन करते रहे हैं और आज हम उसको भूल गए हैं, क्योंकि हमारे ही लोगों को लगाया जाता है इस काम में, चाहे उनको पैसा दे करके, चाहे उनको जो कह लीजिए सुपारी दे करके कत्ल में लगाया जाता है, हमारे लोग गिरफ्तार भी होते हैं। तो ये सहिष्णुता जो है ये मिलनसारिता में आता है। इसके लिए ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती, मिलनसारिता के लिए ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इट कॉस्ट्स यू नथिंग, इट कॉस्ट्स यू नथिंग, मिलनसारिता के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी नहीं पड़ती। यट इट गिव्स अदर ए लॉट ऑफ प्लेजर, ये जो है दूसरों को बहुत ज़्यादा आनंद देता है। जो मिलनसारिता होता है ये दूसरों को बहुत ज़्यादा आनंद देता है, देता है मिलनसारिता। एक चमकीली मुस्कान, एक चमकीली मुस्कान और एक प्यारा सा शब्द जी को हल्का कर देता है। एक चमकीली मुस्कान
और एक प्यारा सा शब्द जी को हल्का कर देता है, ए ब्राइट स्माइल एंड ए डिसेंट वर्ड लाइटन्स द हार्ट। ए ब्राइट स्माइल, एक चमकीली मुस्कान और एक प्यारा सा शब्द जी को हल्का कर देता है। ये हमारे हम लोगों को सीखना चाहिए, मिलनसारिता में बहुत ज़रूरी है कि लोगों से मुस्करा कर मिलो और लोगों से प्यारी सी बात करो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, उससे आपका संगठन बनता है। दूसरों को खुश करने से आप खुद भी खुश होते हैं। अगर आप दूसरों को खुश करते हैं तो आप भी खुश हो सकते हो। By making others happy, you make yourself happier. By making others happy, you make yourself happier. Take time to be courteous. बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, केवल कोमल वाणी बोलो, निरंसारिता के लिए कुछ समय निकालो। मतलब टेक टाइम टू बी कर्टियस, मिलनसारिता के लिए कुछ समय निकालो। अगर आप कुछ समय निकालते हैं तभी आपके साथ लोग जुड़ते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, केवल कोमल वाणी बोलो। डू नॉट बी इन टू मच ऑफ ए हरी। स्पीक सॉफ्टली। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, केवल कोमल वाणी बोलो लोगों से। मुस्कराने में, कृपया कहने में, धन्यवाद देने में थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, अथवा प्रशंसा एवं सहानुभूति के दो शब्द लिखने में। इट टेक्स लिटिल एफर्ट टू स्माइल और से ए प्लीज आर ए थैंक यू आर टू राइट ए लिटिल नोट ऑफ एप्रिसिएशन आर सिंपैथी। मतलब यही होता है कि मुस्कराने में, कृपया कहने में, धन्यवाद देने में थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा सा प्रशंसा एवं सहानुभूति के दो शब्द अथवा प्रशंसा एवं सहानुभूति के दो शब्द लिखने में। ये मिलनसारिता है, इसी को कर्टसी कहते हैं। हम प्लीज भी नहीं कह पाते हैं, हम लोगों को थैंक यू भी नहीं कह पाते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स को देखिए, वो कितना ज़्यादा प्लीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिटिशर्स लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे समाज में मूलवासी बहुजन हमारा बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, इस कारण से हमारे समाज में मिलनसारिता नहीं है, और मिलनसारिता ना होने से क्या है कि हम लोग संगठन नहीं बना पाते हैं, हमारा आंदोलन नहीं चलता है। इसलिए मिलनसारिता यानी कर्टसी हम लोगों को सीखना चाहिए।